और बीजापुर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पशु चिकित्सालय डायरेक्टर के वाहन का दुरुपयोग करने का मामला सामने आया है। डायरेक्टर लल्लन सिंह ने सरकारी वाहन से सागौन की सप्लाई की। सूमो वाहन से अवैध रूप से सागौन की सप्लाई की जा रही थी। भोपाल पट्टनम वन विभाग की टीम ने वाहन पकड़ा और ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बीजापुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पशु चिकित्सालय डायरेक्टर के वाहन का दुरुपयोग, डायरेक्टर ललन सिंह ने सरकारी वाहन से सागौन की सप्लाई की। बीजापुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पशु चिकित्सालय डायरेक्टर के वाहन का दुरुपयोग किया गया। डायरेक्टर ललन सिंह ने सरकारी वाहन से सागौन की सप्लाई की। सूमो वाहन से अवैध रूप से सागौन की सप्लाई हो रही थी। बता दें कि कोई और नहीं, पशु चिकित्सालय डायरेक्टर ललन सिंह ने सरकारी वाहन से सागौन की सप्लाई की और भोपाल पट्टनम वन विभाग की टीम ने वाहन पकड़ा है, यानी वन विभाग ने यह कार्रवाई की है। और जो पशु चिकित्सालय के डायरेक्टर थे, वो अवैध तरीके से सागौन की सप्लाई कर रहे थे, उनकी गाड़ी थी। बीजापुर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पशु चिकित्सालय डायरेक्टर के वाहन का दुरुपयोग किया गया। डायरेक्टर ललन सिंह ने सरकारी वाहन से सागौन की सप्लाई की। सूमो वाहन से अवैध रूप से सागौन सप्लाई की जा रही थी। अवैध रूप से सागौन की सप्लाई भोपाल पट्टनम वन विभाग की टीम ने वाहन पकड़ लिया है, अवैध सप्लाई को रोका। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिस गाड़ी से सप्लाई की जा रही थी, पशु चिकित्सालय के डायरेक्टर की गाड़ी बताई जा रही है, जिससे सप्लाई की जा रही थी अवैध तरीके से, और सागौन की सप्लाई। और ज्यादा खबर के लिए हमारे संवाददाता, जानकारी के लिए अर्जुन पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अर्जुन, बड़ा मामला इसे कहेंगे जहां अवैध तरीके से सागौन की सप्लाई की जा रही थी, और सप्लाई जो है वो कोई और नहीं, पशु चिकित्सालय की डायरेक्टर की गाड़ी बताई जा रही है। क्या पूरी जानकारी मिल पाई है? जी बता दूं, जिस तरह से आप विजुअल देख रहे हैं और उस विजुअल में सत्यता पूरी पुष्टि के साथ में दिखाई दे रही है, किस तरह से जो है पशु चिकित्सक डायरेक्टर ललन सिंह अपनी वाहन, जो सरकारी वाहन है, उसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं। और ये जो लकड़ी है, सागौन की लकड़ी है, और वहां पे खुद साधना न्यूज का प्रतिनिधि, उसने खुद रंगो हाथ तो जो है इस उनको पकड़ा है और वीडियो को शूट किया है। आपको बता दूं, बीजापुर क्षेत्र हमेशा से ही इस तरह से तस्करी के लिए बदनाम रहा है, और कुछ दिन पहले भी जो है इस तरह से जो है देखने को मिला था। अभी फिलहाल बीजापुर के जो डीएफओ हैं, वो दंतेवाड़ा और बीजापुर दोनों के चार्ज में हैं। लेकिन इस तरह का जब प्रकरण होता है, तो कहीं ना कहीं बहुत बाकी जो अधिकारी हैं, उनको भी ठेस पहुंचती है। जी बिल्कुल अर्जुन, जिस तरीके से मान लीजिए कार्रवाई भी की गई है, तो वन विभाग ने ये पकड़ी है, इस गाड़ी को पकड़ा है, तो वन विभाग की यहाँ पर तारीफ की जा रही है, या फिर वन विभाग के रहते हुए ये मामला सामने आया, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या बात सामने आई है? जी एक बड़ी बात बता दूं कि ये जो घटना है, इस घटना में जब लोगों को पता चला कि ये सरकारी गाड़ी में जो है सागौन की लकड़ी को जो है इसका परिवहन किया जा रहा है, और खुद जो डायरेक्टर हैं, जिनकी वो गाड़ी है, विभाग के द्वारा जिनको गाड़ी ये उपलब्ध कराई गई है, वो खुद इस गाड़ी में अपने आप को बचने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादातर देखा जाता है कि जब सरकारी गाड़ी रहती है तो दूसरे विभाग वाले उसको जल्दी रोकते नहीं है, उसका वो फायदा उठाते हुए जो है उस गाड़ी में परिवहन कर रहे थे। लेकिन वन विभाग की सक्रियता कही जाएगी, अन्यथा ये लकड़ी नहीं पकड़ पाता। तो आगे कुछ कानूनी कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल, अभी जैसे कि जो है जानकारी मिल रही है, इसको जब्त कर लिया गया है, और जो वहाँ के सीनियर अधिकारी हैं, उनसे बात चल रही है। लेकिन इस तरह के जो वहाँ पे प्रकरण हो रहा है, कहीं ना कहीं उनके हौसले बुलंद है, क्योंकि उनको भी ये ज्ञात होना चाहिए कि जब सरकारी गाड़ी में इस तरह का प्रबंध करते हुए पकड़े जाएंगे, तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बीजापुर से ये खबर, जहां पशु चिकित्सालय डायरेक्टर के वाहन का दुरुपयोग किया गया और अवैध रूप से सागौन की लकड़ी की सप्लाई की जा रही थी। तस्वीरें आप देख सकते हैं।